उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की एक एक करके पहचान की जा रही है, बल्कि पहचान करके आरोपियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। यहां तक कि इन आरोपियों को चिन्हित कर ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसे देखने और सुनने के बाद इन आरोपियों की सिट्टी पिट्टी तक गुल हो गई है। लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड के राज खुल रहे हैं, वैसे वैसे आरोपियों के बारे में भी खुलासे हो रहे हैं। आपको याद होगा, जिस वक्त उमेश हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस वक्त एक शख्स ऐसा भी था जो बमबारी कर रहा था, बल्कि वो सड़कों पर इधर उधर बम फेंकता भी नजर आया था। उसी आरोपी की अब पहचान हो गई है। जी हाँ, इस आरोपी का नाम है गुड्डू मुस्लिम, जो अतीक अहमद के करीबियों में से एक है। अतीक के इस करीबी की खासियत यह है, ये गोली नहीं बम मारकर हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। बताया ये भी जाता है, उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन धनंजय सिंह, अभय सिंह से लेकर मुख्तार अंसारी तक के लिए गुड्डू मुस्लिम ने काम किया है। लेकिन पिछले 10 साल से यह अतीक के गैंग में ही काम कर रहा है। खबर यह भी है कि प्रयागराज में अतीक अहमद के लिए रेलवे के स्क्रैप और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कुख्यात गुड्डू मुस्लिम ही संभालता रहा है। गुड्डू मुस्लिम कई मामलों में जेल भी जा चुका है, और अब माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का बच पाना नामुमकिन है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं, और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।